गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो अभी आज है मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन और अभी मॉर्निंग टाइम है। जस्ट अभी बस मैंने अपना चाय पिया है और मुझे अपना ब्लाउज का, ये वाले ब्लाउज का फिटिंग करना था। मैंने अपने रिसेंटली शॉपिंग मॉल में आपको ये वाला ब्लाउज दिखाया था, मैंने आपको बताया भी था कि इसको मैं बहुत जल्दी आपको पेयर करके दिखाऊंगी। कल मैंने इसको पहना था, हाँ कल मैंने इसको पहना था और ये ना मुझे लूज आया थोड़ा, तो मैंने सोचा कि इसकी फिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये काम ना हो नहीं पाएगा। और घर पे मशीन होने का यही फायदा है कि फट से अपने जो काम है ना वो हो जाते हैं। और इसके अंदर ना एक्चुअली स्लीव्स भी लगी हुई थी, वो मैंने निकाली है क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है ना, तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आगे का जैसे भी रहेगा वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट अपने ब्लॉग का जो शुरू है ना वो कर लेती हूँ, और इधर धूप में बैठू ना तो अच्छा लग रहा है क्योंकि पुणे का जो वेदर है ना अभी थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा मतलब ठंड वाला लग रहा है। अनमित मम्मी का स्विच ऑन करो प्लीज उधर से। हाँ और मम्मी का हेल्प करो, ये बॉक्स दो, मशीन का बॉक्स दो। अभी जो स्टिचिंग वाला काम है ना वो कंप्लीट हो गया है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ना गिफ्ट्स भी सबके पैक कर देती हूँ। दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में जो सुहाग का सामान लेके आई थी वही, और क्योंकि ये जो छोटे छोटे से काम है ना अगर ये करके रख दो ना तो मतलब फिर वो उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता, वरना काम छोटे होते हैं लेकिन ये लगे रहता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो निपट जाता है तो ठीक रहता है। क्योंकि अभी जाना है बाहर वो नारियल और खीर के लिए दूध, क्योंकि कल सौरभ को बोला था, सौरभ भूल गए। हमारा बिग बास्केट से आता है ना, सब्सक्रिप्शन लिया है हम लोगों ने, तो सौरभ वो भूल गए और आपने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो अभी एक वो नारियल वगैरह भी लेना है, तो ये सब चीज़ें लेनी है। फिर अभी बाहर भी जाना है सामान लेने के लिए, 1 2 3 4 5 चीज़ें। और जब मैंने लास्ट टाइम उद्यापन किया था तब आप में से बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था, मैंने सिंदूर की डिब्बी नहीं रखी थी तो मुझे आइडिया नहीं था, और इस बार मैं सिंदूर भी लेकर आई हूँ। तो ऐसे 5 चीज़ें हो गई हैं मेरी, ये 5 थिंग्स का मैंने ये पोटली बैग बना लिया है। लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए आज कमल का फूल लिया है, देखो कमल चढ़ाऊंगी मैं आज। हाँ हाँ कमल प्रिया होता है ना उनको, तो कमल वाला फूल लिया है। सो बाहर से सब काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ, और आके सबसे पहले मैं खीर बनाने की तैयारी करूँगी। आते ही मैं बैठी भी नहीं, बस हैंड वॉश किए और मैं किचन में आ गई, क्योंकि आज सुबह से टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, और ये सब काम ऐसे हैं, ये सब काम पहले से ही करके रखने पड़ेंगे, और खीर खाना ये सब ऐसा है कि टाइम से बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3.5 लीटर दूध का खीर बनाऊंगी, और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ये खीर का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत मन से मैंने खीर बनाई थी, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और रियली बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी। मैंने पहले दिन ही मम्मी से पूछ लिया था अपनी कि मतलब खीर कैसे बनाऊँ मैं, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था क्योंकि मतलब बहुत समय हो गया था मेरे को खीर बनाए हुए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही काजू बादाम ये सब भिगा के रख दिए थे, तो बादाम को मैं अभी पील ऑफ करूँगी। तो वहाँ पर दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है क्योंकि खीर 2-3 घंटे आराम से पकी थी। अभी 12 बज रहे हैं और मैंने 3 बजे के आसपास गैस बंद की थी, तब तक मैं कंटिन्यूस काम कर रही थी किचन में क्योंकि एक के बाद एक ऐसे काम लगे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये बादाम छीलने के लिए खड़े हो गई हूँ, और जब तक मेरी खीर पकेगी तो मतलब ये सब काम मैं करते रहूँगी। खीर को चलाना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली खीर को चला रही थी क्योंकि खीर एक ऐसी चीज़ है अगर उसमें हल्का सा भी लगने की बदबू आ गई ना तो फिर खीर खाई नहीं जाती है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है खीर का ना।
तो वो किसी से भी नहीं खाई जाती है, वो कोई भी हो इसमें। तो यहाँ पे बस मैं बादाम भी और जो काजू हैं वो कट करके रख रही थी, और साथ में मैंने मगज और जो किशमिश है ना वो भी सोख करके रख दिया था। और यहाँ पे छोले सुबह को मतलब मम्मी ने भिगाए थे, तो यहाँ पे मैं इनको अभी बॉयल होने के लिए रखूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सारा काम मैं पैरेलली करके रखूँगी। और चार चूल्हे वाली जो गैस है ना उसका असली फ़ायदा मतलब इसी समय में दिखाई देता है, जब घर पे कोई गेस्ट आ रहे हों या फिर बहुत ज़्यादा कुछ काम करना हो, तो रियली ऐसे टाइम में ना चार चूल्हे वाली जो गैस है वो बून साबित होती है। सॉल्ट ऐड कर दिया, बहुत थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि बिना हल्दी का खाना नहीं बनता है इसीलिए। और यहाँ पे ढेर सारी मैं हरड़ ऐड करूँगी, तो हरड़ मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी छोले वगैरह में मैं चाय पत्ती वगैरह नहीं डालती हूँ, हरड़ डालती हूँ। और ये शायद मैंने आपको मतलब बहुत पहले बताया था, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने करना भी शुरू किया है, क्योंकि मुझे लाल वाले छोले नहीं पसंद, और छोले जब तक टेम्पटिंग ना हो ना उनको डार्क कलर वाला तो वो मज़ा नहीं आता। तो बस इनको मैं विसिल लगाने के लिए रख दूँगी, और मीनवाइल जो अपनी चॉपिंग का काम है ना ये सब मैं करूँगी। और साथ ही जब ये मेरा चॉपिंग का काम हो जाएगा तब मैं इसके छोंक की तैयारी भी मतलब करूँगी, छोले के छोंक की तैयारी ना। तो आज का मेनू मैंने आपको बताया नहीं, आज के मेनू में मैंने छोले रखे हैं, छोले हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी है, रायता है, खीर है, और पूरी है, बाकी केला और ये सब का प्रसाद रहेगा, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का जो उपवास रहता है ना उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो खीर, और जो हम नारियल तोड़ते हैं उदयपन के दिन वो, और केला, इन तीन, और बुक और सुहाग का सामान में इम्पोर्टेंट तो इसमें बुक और खीर होती है। तो इसका जो प्रसाद होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर सपोज़ आप फास्ट रख भी रहे हैं और आप किसी कारणवश उद्यापन में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बस खीर और बुक भी और नारियल ये बांट देंगे ना, केला, तो आपका जो उद्यापन है वो संपन्न हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत समय से वैभव लक्ष्मी को उद्यापन करते आ रही हूँ, पूजा करते आ रही हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बात मतलब बता रही हूँ। खीर में जब बेसिकली दूध में जब बॉयल आ गया था ना, तो इसमें बेसिकली जो खीर का मेज़रमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3.5 लीटर दूध के लिए मैंने 1.5 जो कटोरी है ना वो राइस लिया था, और एकदम परफेक्ट माप था ये। तो इनको बॉयल कर लिया है राइस को, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ, और इसमें से बस थोड़े से राइस ही हमने बचाए थे। ये इसका मेज़रमेंट है, और इस मेज़रमेंट से बनाएंगे ना तो आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप कच्चे चावल भी ऐड करेंगे तो भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कच्चे चावलों से भी खीर बहुत अच्छी बनती है। बॉईल करके ऐड कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खीर को उतना ही कढ़ाना पड़ता है। खीर जितना ज़्यादा कढ़ेगी तो उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा, खीर का वही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बस यहाँ पे मैं राइस अपने डाल रही हूँ, और इनको फिर मैं ऐसे लो फ्लेम पर ही पकने के लिए रखूँ, क्योंकि राइस डालने के बाद खीर को फ्रिक्वेंट चलाना ज़रूरी है, क्योंकि हैवी हो जाती है ना नीचे से, तो खीर लगने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक जगह मेरी खीर बन रही है, एक जगह छोले बन रहे हैं, और एक जगह दोपहर के लिए दाल बन रही है, सब लोगों के लिए लंच तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे चौथी गैस पे मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है छोले का मसाला बनाने के लिए। तो छोले का मसाला बेसिकली आज लहसुन और प्याज का ही खाना बनता है, और छोले में उतना पता भी नहीं चलता अनियन और गार्लिक का ना, ये सबसे अच्छी बात होती है छोलों की। और आज के दिन जो खाना बनता है ना बेसिकली किसी भी पूजा में, किसी भी उद्यापन में, वो बहुत टेस्टी बनता है। पता नहीं उसमें माँ का आशीर्वाद होता है या क्या होता है, तो वो मतलब बिना चखे खाना बनता है और वो एकदम परफेक्ट निकल के आता है। तो ऐसा ही कुछ आज भी हुआ था। एनीवेज, तो बस मैंने कढ़ाई में खड़े मसाले ऐड किए हैं, ज़ीरा ऐड किया है, जो भी बेसिक मसाले हैं वो सब ऐड किए हैं। अपना जो टोमेटो है ना, टोमेटोज़ के अंदर मैंने अदरक और जिंजर, ये अदरक और ग्रीन चिली ये ऐड करके प्योरे बनाया था, वो ऐड किया। और इसके अंदर मैंने ये ऐड किया था आशीर्वाद का, सॉरी एवरेस्ट का छोले मसाला। आप इसका ऐड मत करिएगा बादशाह का, क्योंकि उसमें गार्लिक होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पूजा के जो छोले होता है उसमें एवरेस्ट का ही ऐड करना है। और इसमें सौंठ ऐड की थी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया था, थोड़ा गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, और इसको पकने के लिए रख दिया था। और बाद में जब मेरे छोले बन गए थे तो मैंने उनको डाल के विसिल लगा दिया था, क्योंकि विसिल लगाना ज़रूरी होता है मोटे ग्रेन में ना, तो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है।
क्योंकि अगर आप कढ़ाई में डाल के मिक्स करेंगे ना तो वो उतना अच्छे से मतलब स्वाद नहीं आता है, आप ज़रूर आजमा के देखिएगा ये वाली बात। सो खीर धीरे धीरे करके गाढ़ी हो रही थी तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए सारे जो मैंने आपको बताए हैं, मगज, किशमिश, और किशमिश अगर आप बाद में ऐड करेंगे तो भी चलेगा। और उसमें मैंने केसर भी ऐड किया था, आपने क्लिप में देखा भी होगा, वो मैंने सबसे पहले ही ऐड कर दिया था। केसर से ना एक जो अच्छी सी एसेंस है ना वो भी आती है, कलर भी प्यारा हो जाता है बेसिकली खीर का ना। और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दिए, और इसमें मैंने फ्रेश मलाई ऐड की थी, कंडेंस मिल्क ऐड किया था, और जो चीनी का रेशो था वो भी 1.5 कटोरी चीनी का रेशो था इसमें, और एकदम परफेक्ट रहा बिल्कुल हर चीज़। तो ये डालने के बाद भी मैंने इसको फिर बहुत अच्छे से कढ़ाया था, और इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैंने ये सोचा था कि थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, मतलब 15 to 20 minutes, और उसके बाद फिर मैंने गोभी का सब्ज़ी और जो पुलाव था वो बना दिया था, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी और शूट मैंने वो सब कुछ नहीं किया क्योंकि वो सब सिंपल ही था और मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती ही हूँ। बाकी आपको थाली मैं परोस के दिखाऊंगी क्योंकि धीरे धीरे करके टाइम बीतता जा रहा था और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा था। और कैमरे के साथ करते हैं ना तो काम करने की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि कैमरा एंगल, कैमरा सेट करना, ये सब काम रहता है। सो अभी फाइनली मेरा जो सभी काम है ना ऑलमोस्ट हो गया है। सब्जी बनने के लिए रखे आई हूँ मैं अभी, और गोभी की सब्जी ना, बाकी छोले वगैरह सब कुछ मैंने बना दिया, वो आपने देखा ही होगा। और सोचा अभी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि टाइम ना 4:30 हो रहा है, क्योंकि फिर मैं 5:05 बजे पूजा करने के लिए बैठूंगी, सबको मैंने 6 o'clock का टाइम दे रखा है ना, सुबह से ये टाइम आ गया। मैं एक्सरसाइज करके आई थी तब से, गॉड ब्लेस यू अनमित, तब से घर वर संगवाना ये सब करी थी, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे टाइम बीत गया और पता भी नहीं चला। तो मतलब मेरा जो वैभवलक्ष्मी का अध्यापन है ना वो हो जाएगा। और मैंने सोचा कि अभी रेडी हो रही थी कि आप लोगों से भी मैं बात कर लेती हूँ और फिर रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। सो बस मैं अभी तैयार हो गई हूँ और लुक आपने देख लिया होगा मेरा, तो बस मैं ना अभी पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि पूजा करने में भी ना ये वाली पूजा करने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये कर लेती हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी आई थिंक 5:45 हो गया होगा और 6 o'clock का मैंने सबको टाइम दिया था, तो जब तक सब लोग आएंगे तो मेरी पूजा हो ही जाएगी। देखिए ये लेके आई थी मैं आज कमल का फूल। सो बेसिकली आज सब लोग टाइम पे आ गए थे और माता रानी की ऐसी कृपा हुई। मैंने 9 लोग सोचे थे और 7 लोगों का कंफर्म था कि वो ऑन टाइम आएंगे, लेकिन 2 लोगों का कंफर्म नहीं था, एक का कॉल था इस वजह से। तो बस मुझे था कि चलो, मन मेरा 9 को बिठाने का था, सामान भी मैं मतलब 11 का लेके आई थी क्योंकि 2 हमारे यहाँ पे जो खाना बनाने के लिए मैंने बुलाई थी बेसिकली इवनिंग में, पूरी उतारने के लिए मैंने, हमारे यहाँ पे वंदना काम करने के लिए आती थी बहुत पहले, उनको मैंने पूरी उतारने के लिए बोला था। मेरा मोटिव ये था कि मैं सबको प्यार से खिलाऊँगी और फिर पूरी मैं बना नहीं पाऊँगी ना, अकेले कैसे खिलाऊँगी, तो मैंने उनको बुला लिया था पूरी बनाने के लिए ना वो, और हमारे यहाँ पे जो दीदी आती हैं वो, उनको भी मैंने इन्वाइट किया था, तो उन लोगों के लिए भी मैं सामान लेके आई थी। तो बेसिकली मैंने 11 पाउचेस बनाए थे, लेकिन जिसमें से 7 लोग ही बैठने वाले थे, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई लास्ट टाइम में कि हम भी चौंक गए कि 9 के 9 टाइम पे आ गए और सबने गरम गरम खाया और हम लोगों ने खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदर से ना बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो बस मैंने सबको एक साथ बिठाया और टीका लगाया, सबसे पहले खीर,
नारियल और केला इसका प्रसाद दिया, बुक दिया और सब लोगों का पैर छुआ, सब लोगों को बोला कि आप वैभवलक्ष्मी का उपवास करना। और उसके बाद फिर सब लोगों ने जब खीर फिनिश कर लिया, फिर उनको गरम गरम खाना खिलाया, बाद में जो उनके लिए मैंने सुहाग का सामान लिया था बेसिकली वो दिया। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि बहुत लोग वैभवलक्ष्मी का जो मेरा व्रत है या फिर उद्यापन है उसके बारे में पूछते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं डिटेल बता देती हूँ, तो इसको मतलब किसी और वे में मत लीजिएगा। तो ये है, फाइनली मेरा जो उद्यापन है ना वो बहुत अच्छे से हो गया है और सब लोग अच्छे से खाना खा के गए, टाइम पे आ गए, वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठे और खाया ना और गरम गरम सबको खिलाया तो मन ना एकदम खुश हो गया। तो बस मैं अभी चेंज करके आती हूँ, मैं और मम्मी अभी खाएंगे, सौरभ की कॉल चल रही है, अनमित को खिलाएंगे, तो ये है तो खाएंगे। और वंदना आई है पूरी बनाने के लिए हमारे यहाँ पे ना, तो उसको बुलाया था मैंने, तो गरम गरम पूरी बना के खिलाई और अभी बस हमारे लिए बनाएगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, चेंज करके आती हूँ पहले मैं। और ये है हमारी आज की प्यार भरी, स्वाद भरी और बहुत सारे आशीर्वाद से भरी हुई थाली। इसमें है खीर, रायता, छोले, सलाद, राइस, पूरी, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बेसिकली बताइएगा देखकर आपको खाना कैसा लगा, अभी देख के ही बोलूँगी। आई विश कि मैं आप लोगों को प्रसाद चखा पाती और आप लोग बता पाते कि ये कैसा है। बाकी सब लोगों ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया कि प्रसाद आज बहुत टेस्टी बना था। आज का खाना बहुत टेस्टी बना था, प्रसाद का समझ लिया जी या जो भी था, एक एक चीज़ में आज के खाने की बहुत अच्छा टेस्ट था। खीर ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आएगी। फाइनली अच्छे से सब संपन्न हो गया और मैंने भी खाना खा लिया। एक्चुअली ना क्या था, सब्जियों वगैरह का सब काम हो गया था, मैंने कर लिया था, खीर वगैरह बना लिया था, लेकिन जो वंदना है ना उनको ना मैंने पहले ही बोल दिया था पूरी बनाने के लिए, क्योंकि क्या रहता है ना कि गेस्ट को अटेंड करना है, फिर पूरी बनाना है, दूसरा भी थकान भी हो जाती है, तो इसीलिए आज सबसे अच्छा लगा कि वंदना ने सबको गरम गरम पूरी खिला दी और बाद में उसने भी मतलब खा लिया, क्योंकि मैंने उनको भी बोला था और जो हमारे यहाँ पे दीदी आते ना काम करने के लिए उनको भी बोला था कि आप भी आना, और क्योंकि अच्छा लगता है ना। और इनका भी है कि बेचारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इन लोगों के लिए भी मतलब एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमारे मन में होना चाहिए, और ऐसा मतलब सब लोग खा लें और इनको नहीं दें तो मुझे बहुत मतलब ये फील होता है। तो मतलब मैंने परस के भी नहीं दिया मैंने, और मतलब मम्मी ने यहाँ पे बोली दिया कि सब कुछ रखा है तुम्हें जो चाहिए जितना खाना है ले लो, तो ये है। और बाकी सब कुछ अच्छा रहा, तो मैंने सोचा अपने व्लॉग का एंड भी करती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। मेरी फ्रेंड है देखो, ये मेरे लिए लेकर आई है इयरिंग, में दिखाती हूँ। एक्चुअली इस टाइप के इयरिंग मैं लेने के सोच भी रही थी और मुझे मिल भी गए, इस टाइप का इयरिंग नहीं था मेरे पास। बहुत प्यारे हैं इयरिंग्स हैं ये, और साथ में इसका पेंडेंट सेट है, देखो देखो कितना प्यारा है, रियली रियली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देखो कितना प्यारा। तो बोली कि उनका पेज भी है रॉयल इम्प्रेशन ना इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी अच्छा उनके पास सामान भी रहता है, तो वो भूल गए थे, वो दोबारा देने के लिए आएगी, मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी और भूल गई, तो मुझे बहुत रियली मतलब ये मेरा मतलब बहुत टाइम से लेने का मन था अफगानी जो ये रहते हैं इयररिंग्स, और ये मतलब मुझे मिले। तो चलिए आप लोग भी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मुझ पे बनाना, और मेरे जो फास्ट हैं वो संपन्न हो गए हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।